नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम जानेंगे जो मोगनी की सीड कैसी होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मोगनी के बीज जो हैं ये कैसे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बीज जो है अमेजन से मंगवाया था, तो मुझे ये कर्नाटका से आए हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मोगनी के बीजों की सीडिंग कैसे करते हैं, कैसे इसको हम अब इसको बीजेंगे। तो दोस्तों इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, इस बीज को आपने लाना है और आपने जैसे क्यारियाँ होती हैं, जैसे मेड़े बनाते हैं, तो मेड़े के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। और उसके लिए आपको नॉर्मल मिट्टी चाहिए, साथ में आपको खाद चाहिए थोड़ी सी पशुओं की, और साथ में एक आधी मिट्टी और मिला लेना, जैसे नाले की मिट्टी होगी, कहीं खेत की मिट्टी, तो उन सभी मिट्टी को आपने इसका मिश्रण बनाना है, उसमें आपने इसको ग्रो करना है। तो अगर मिट्टी अच्छी होगी तो ये जल्दी ग्रो होगा, और आपने इसको रेगुलर डेली पानी देना है कि जिससे आपके ये जो है जल्दी जर्मिनेशन हो जाए। तो इसका आज हम सीखेंगे कि ये तो आपने देखा मोगनी के बीज। तो दोस्तों मोगनी का जो पेड़ है, मोगनी जो है एक बहुत ही महंगा पेड़ है, इसकी दवाई बनती है, जैसे मोर्टिन मच्छर मारने वाली दवाइयाँ जो हैं, कीटनाशक वाली दवाइयाँ, ये सारी मोगनी से बनती है। और मोगनी का जो एक पेड़ है इसकी कीमत 3-4 लाख रुपए है, और 5 लाख रुपए तक भी है। इसकी पत्तियां भी बिकती हैं, इसकी लकड़ी बिकती है, हर चीज़ बिकती है, फल तक भी इसका सब कुछ बिकता है। तो दोस्तों सबसे महंगा पौधा होता है मोगनी का, जैसे चंदन का होता है वैसे ही ये होता है, और इससे दवाइयां बनती हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम कैसे मोगनी की जैसे अब सीड हम इसमें लगाएँगे, तो सीड को कैसे लगाना है। सबसे पहले आपने बीज मंगवाने हैं, बीज हम आप अमेजन से किसी भी वेबसाइट से मंगवा सकते, क्योंकि आप भरोसेमंद वेबसाइट से मंगवाएं, जैसे फ्लिपकार्ट है और अमेजन है और साइट है, उनसे आप मंगवाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में अब हम देखेंगे कि इसको लगाना कैसे है, सभी ध्यान से देखेंगे। अभी इसको हम खेत को थोड़ा वो करेंगे, इसके बाद इसको इसमें हम ये बीज लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये भी कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ये मोगनी के बीज हैं, इसके अंदर एक छोटा सा बीज और होता है, तो वो बीज जब ये जैसे आप पानी देते हैं तो ये ऊपर वाला जो गल जाता है और बीज आपका बाहर आ जाता है। तो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मैं हिमाचल से बना रहा हूँ, क्योंकि बीज तो मैंने कर्नाटका से मंगवाए हैं, तो अब ये हिमाचल में मोगनी लगाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर नर्सरी में कहीं नहीं मिला, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया। और मैं एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इस ये पौधा कैसा होता है, क्योंकि मैंने भी देखा नहीं है, तो मैं भी ऑनलाइन मैंने इसको देखा है, तो इसलिए अगर मेरा पौधा भी ग्रो कर जाता है तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बताऊँगा कि ये पौधा ज़रूर लगाएँ, क्योंकि एक तो मच्छर आपके घर में नहीं आएगा और एक तो आपकी आमदन भी बढ़ी, आपके घर में खेत हैं, ज़मीन है, तो आप ज़मीन में ये लगा सकते हैं। जब 15-20 साल के बाद आप इस पेड़ को काटोगे तो इसकी कमाई लाखों रुपए में होती है। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं ये मेड़े। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर मोगनी बीजेंगे, तो सबसे पहले हमने जैसे ये इस अगर खेत आपका बड़ा है तो आप किसी और के साधन से भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपने ज़मीन के अंदर खाद डालनी है, सब कुछ डालना है, जिससे आपका जो पौधा बहुत जल्दी ग्रो हो। तो और पत्थर आपने बिल्कुल निकाल देने, क्योंकि पत्थर जो होता है पत्थर से पौधा आपका बाहर नहीं आता है। और फिर इसको प्लेन करना है ऐसे, तो दोस्तों आज आप सीख रहे हैं कि हम कैसे मोगनी का पौधा लगा पेड़ इसमें सीड लगाएं और इसकी ग्रो कैसे करें बढ़िया, क्योंकि जगह अच्छी होगी तो ग्रो बहुत जल्दी होगी। और फिर आपने इसको पानी दे देना है, अगर बारिश हो रही है तो भी अच्छा है। और इसको इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जैसे सागवान की सीड है उसको उगाने में बहुत टाइम लगता है, साथ में चंदन की सीड होती है उसके लिए भी टाइम लगता है, ये पौधा तो आपका आराम से हो जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं।
क्योंकि ज़मीन आपकी बिल्कुल पोली होनी चाहिए, जिससे आप इस पौधे को लगने के बाद आराम से निकाल भी सको। तो दोस्तों ये हमारा हो गया काम, अब हम इसमें सीड लगाएंगे। तो सीड के लिए क्या करना है, ये देखो सीड आपने निकालनी है, ये सीड मैंने निकाली है, ये नीचे की तरफ को लगाना है, बीज इसके अंदर होता है और जैसे हम लगाते हैं ऐसे ऐसे आप इसमें दबा दो, और ज़्यादा घना नहीं करना है क्योंकि आपका पेड़ ग्रो भी करना चाहिए। जैसे मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं इसको 2 इंच का गैप दे रहा हूँ पर पौधे पर। फिर हम इसको यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हमने क्या करना होता है इसको, फिर हम इसको पन्नी के अंदर शिफ्ट करेंगे जब भी हमारा ये पौधा अच्छा स्वस्थ पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों इसको नीचे की तरफ को, और लगाने के बाद फिर आपने इसमें पानी देना होता है। जब ये पौधे मेरे निकल जाएंगे तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं, तो उस वीडियो को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों आपने मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता है। तो ये एक मैं जो तैयार कर रहा हूँ, ये मैं देसी स्टाइल से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है, तो मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से, ना कि मैंने किसी नर्सरी से कुछ सीखा है। तो मैं, मुझे जितना नॉलेज है पौधा लगाने में, तो मैंने अपने हिसाब से इसमें लगा रहा हूँ। आपने क्या करना है, जब लगाना है तो इसको नीचे घुसेड़ देना है अच्छी तरह से कि ज़मीन की पकड़ में आ जाए, फिर आपने इसमें पानी लगा देना है। अगर बारिश वाला मौसम है तब तो अच्छा है, तो बारिश वाला मौसम है तो ये ध्यान रहे कि इसमें पानी न टिके, क्योंकि जब पानी टिकता है तो पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे हम सीड लगा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर एक एक आधा इंच मिट्टी चढ़ा देंगे, क्योंकि अगर बीज हमारा बाहर रहेगा तो उससे क्या होता है कि बीज को कीड़े जो होते हैं वो उठा कर ले जाते हैं, तो इसलिए बीज को ढकना है थोड़ा सा, आधा या एक इंच मिट्टी इसके ऊपर चढ़ा देंगे, और फिर हमने इसमें पानी देना है। तो
तो अब हम ये प्रक्रिया करते हैं, इसके ऊपर पहले मिट्टी डाल देते हैं। तो दोस्तों देखो, आपने हमने इसमें पानी दे दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको अगर गर्मी वाला मौसम है तो आपने क्या करना है, अब ये बरसात का मौसम है तो इसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नमी ज़्यादा है तो भी पानी कम देना है। इसलिए पानी को हिसाब से देखना, ये ना हो पानी ज़्यादा नमी हो जाए तो आपका बीज सड़ जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।